मेरा नाम तनिषा ठाकुर है, मैं यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कोर्स करने आई हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। बच्चों को भी छोड़ के आना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मुझे खुद से, अपने आप से, अपने पैरों पे खड़े होके मुझे अपने पे डिपेंड होके रहना है। मेरा नाम श्वेता है, मेरे को यहाँ पे 2 महीने होने वाले हैं। पापा काम नहीं करते, पहले काम करते थे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे को अपना डिसीजन खुद ही लेना था। कोर्स का तो ये है करके मैं कहीं मतलब अपना काम भी शुरू कर सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। गर्ल्स, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो आपके सीनियर्स थे उनका प्रोजेक्ट है। इसमें एक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया है हमारी इंडस्ट्री की और उसको सॉल्व किया है। ये ड्रेस बिना स्टाइलिंग चेंज किए मुस्कान को भी अच्छी लग रही है और अभी हम सीता को डालेंगे। तो ये आपके सीनियर्स का प्रोजेक्ट था जो कि फिट टू ऑल। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, एट दैट टाइम मैंने मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस चूज किया और यहाँ पे कटिंग स्विंग में मैंने एडमिशन लिया। ये एम्ब्रॉयडरी है, इसमें हम जो है क्रॉस स्टिच करके हम ये डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। इसे करके हम मतलब कुछ भी कुशन कवर वगैरह बना सकते हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी आती हैं जिनके घर में उनको कंडीशन बार लगाया होता है कि आपको घर का काम ही करके जाना है। कोई बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 साल का टाइम दिया है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हमें तो आपकी शादी ही करनी है, आपको चूल्हा चौका ही करना है। तो ऐसे बच्चे बहुत अंडर प्रेशर वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50% बच्चे यहाँ ऐसे ही आते हैं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले अपने घर का काम, पहले उनका नाश्ता चाय सब पहले रेडी करके फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज के फिर खुद रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद फिर मैं यहाँ पर आती हूँ। मेरे पापा को सपोर्ट नहीं था थोड़ा सा, मतलब उनको वो बहुत पुराने सोच के थे, उनको लगता था कि ये काम अच्छा नहीं है, मतलब इसमें हमें मॉडलिंग वगैरह करनी होती है। पढ़ के और कुछ सीख के कुछ करना है। अपने आप को ये मत सोचो कि है ना मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। अपने आप को एकदम फ्रीडम महसूस करो, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो।